जो तमाम अहादीस इस रात के बारे में वारिद हुई है वो अक्सर ज़ईफ़ है, और ज़ईफ़ होने की वजह से उसको सेहत का दर्जा हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस शब को हम शब बरात कहते हैं, बरात की रात, लैलतुल बरात। ये बाबरकत रात है और अहादीस चूँकि इस सिलसिले में ज़ईफ़ है, लेकिन इतनी कसरत की मकदार में अहादीस इस रात के बारे में वारिद हुई है, इस वजह से उलमा कहते हैं कि ये रात ये फजीलत की हामिल है। और वैसे जब फ़ज़ाइल के मुतालिक अहादीस वारिद हो तो अगरचे वो ज़ईफ़ हो फिर भी उलमा मुहद्दिसीन उसको मानते हैं, चूँकि वो फ़ज़ाइल के बारे में वो अहादीस वारिद हुई है। और असल कायदा यही है कि फ़ज़ाइल के बारे में अगरचे हदीस ज़ईफ़ हो लेकिन उस पर हम अमल कर सकें, इस शर्त के साथ कि हम इसको सुन्नत न माने, और इस शर्त के साथ कि हम इसको बस एक नेक अमल माने और इसको हम सुन्नत का दर्जा न दें। और ज़ाहिर है हम दुनिया में क्यों आए हैं, नेकियां करने के लिए, इबादत करने के लिए। तो जब कोई फजीलत पर हम अमल कर सके तो उस पर हमें अमल करना चाहिए। अब इस रात के बारे में अहादीस में जो आया है वो ये कि मुख्तसरन कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमत खासा को इस रात में अपने बंदे पर खूब नाजिल फरमाते हैं, अपनी रहमत खासा को अपने बंदे पर नाजिल फरमाते हैं। तो अब हमारे ऊपर है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है हम उसको खींचें, और अल्लाह ताला की रहमत इतनी नाजिल फरमा दे कि अल्लाह ताला कसरत की तादाद में मुसलमानों की मगफरत फरमाते हैं। लेकिन अहादीस में आया है कि चंद किस्म के लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला मगफरत नहीं फरमाते इस रात को। तो इस रात को हमें अल्लाह ताला से खूब मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से खूब गिर गिरा के दुआ करनी चाहिए, रो रो के दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से मगफरत हमें तलब करनी चाहिए। लेकिन जो अहादीस इस सिलसिले में वारिद हुई है इसमें चंद किस्म के लोग हैं जिनकी मगफरत अल्लाह ताला नहीं फरमाते, और वो किस किस्म के लोग हैं। एक तो वो शख्स है जिसके दिल में किसी और के बारे में बहुत सारा अदावत हो। अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में हसद इतना फैला हुआ है कि बस हम एक दूसरे को देख नहीं सकते कि इस शख्स के पास माल ज़्यादा क्यों है, इस शख्स के पास बड़ा अहदा क्यों है, इसके पास इतने ज़्यादा घर क्यों है, इसकी गाड़ी इतनी महंगी क्यों है, मुझे क्यों ये नहीं मिला है। अब ये अफसोस की बात है, और हसद ये नेकियों को ऐसा बर्बाद करता है जिस तरह आग लकड़ को बर्बाद करता है। तो हसद हमारे नेकियों को खा जाता है, और ये बहुत बड़ा रूहानी मर्ज है जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी दबा होती है। क्यों? क्योंकि हम आए हैं दुनिया में नेकी के लिए, और जब हम हसद करते हैं तो हसद की वजह से हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। तो जाहिर है हम फिर अपने मकसद पैदाइश पर हम न उतर सके इस दुनिया में। तो एक तो वो शख्स जिसके दिल में किसी और के बारे में बुग्ज़ और अदावत हो और हसद वगैरह हो और कीना हो, तो ऐसे शख्स की मगफरत अल्लाह ताला शब्बे बरात को नहीं फरमाते। और दूसरा वो शख्स है जो शराब पीता हो। अफसोस की बात है कि सिर्फ नौजवान नहीं, हम में बुरे लोग भी हैं जो शराब पीते हैं, और इसको हम मामूली से समझते हैं, मामूली सी बात। आप बस दिल और दिमाग में ये सोचो कि अगर आप उसी हालत में आप इंतजार फरमा गए तो फिर क्या आप इस बात पर राजी हो कि आखिरत में अल्लाह ताला के सामने आपका हशर उसी हालत में हो जिस हालत में आप मर चुके हैं, यानी शराब पीने की हालत में। क्योंकि एक हदीस में आया है कि जिस तरह आदमी इंतकाल करता है, जिस तरह आदमी मर जाता है, उसी तरह उसका हशर होगा अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन। तो अगर आदमी मर जाए शराब पीने की हालत में तो फिर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सामने वो इसी हालत में खड़ा होगा कि वो शराब पी रहा होगा। तो जाहिर है अल्लाह ताला उससे नाराज़ होंगे। तो वो एक ये दूसरा किस्म का शख्स है जिसकी अल्लाह ताला मगफरत नहीं फरमाते शब बरात को। एक और शख्स वो है जो
वालिदैन की नाफरमानी करे, जो वालिदैन की नाफरमानी करे, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की भी मगफरत नहीं फरमाते। तो ये चंद किस्म के लोग हैं जिसकी मगफरत अल्लाह ताला नहीं फरमाते हैं शबे बरात को। और शबे बरात को क्या हमें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं? ज़ाहिर है शबे बरात मगरिब के बाद ये रात शुरू होती है, कल मगरिब के बाद, तो रोज़ा हम रखेंगे फजर के बाद शुरू करेंगे, तो यानी इतवार का रोज़ शुरू हो जाएगा। तो उस रोज़ हमें रोज़ा रखना चाहिए, और रोज़ा रखने का क्या हुक्म है शबे बरात को? तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था, अहादीस भी के ज़ईफ़ है इस सिलसिले में, तो ये रोज़ा रखना ये सुन्नत तो नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि बस एक अच्छा अमल होगा। तो हम सुन्नत मान कर रोज़ा नहीं रखेंगे, बल्कि बस एक नेकी समझ कर हम रोज़ा रख सकते हैं। और वैसे अहादीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़ा रखते थे। क्यों? रमज़ान की तैयारी में, क्योंकि रमज़ान में पूरा महीना में रोज़ा रखना है, उस तैयारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे। तो वैसे हमें इस महीने में कसरत से रोज़े रखने चाहिए, सुन्नत पर अमल करते हैं। और उसके अलावा और कोई ख़ास फ़ज़ाए इस रात के बारे में कोई लाजिम नहीं हुए, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हमारे माशरे में फैली हुई, जिस तरह एक गलत फहमी ये है कि इस रोज़ कब्रिस्तान में जाना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। हम जा सकते हैं किसी भी रोज़, कल भी जा सकते हैं, इतवार के रोज़ शब बारात को भी जा सकते हैं, लेकिन सुन्नत समझ कर हम न जाएं।